गुरुग्राम में दो दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री राज्य मंत्री सोम प्रकाश करेंगे। सम्मेलन में पहुंचने वाले डेलीगेट्स के सम्मान में हरियाणा सरकार रात्रि भोज का आयोजन कर रही है। इस रात्रि भोज में मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री शामिल होंगे। गुरुग्राम में G20 ग्रुप कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत 3 और 4 जुलाई को स्टार्टअप 20 शिखर बैठक का आयोजन होगा। इस बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप कॉन्क्लेव, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। साथ ही साथ ड्रोन शो का आयोजन होगा। कार्यक्रम में लगभग 800 प्रतिनिधिमंडल के भाग लेने की संभावना है। बैठक में पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों के सम्मान में हरियाणा सरकार की तरफ से 3 जुलाई को कोरोना कन्वेंशन सेंटर में रात्रि भोज दिया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। जुलाई में गुरुग्राम में 2 G20 मीटिंग शेड्यूल्ड है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 13th and 14th को साइबर सिक्योरिटी और बाकी मुद्दों पे जो हयात रीजेंसी है खिड़की दुल्ला टोल के पास, उसमें एक बैठक रखी गई है। साथ ही जो स्टार्टअप 20 जो कि G20 का एक साइड इवेंट है, उसकी भी मीटिंग 3rd and 4th जुलाई को ग्रैंड हयात में होगी और इसमें सभी जो 20 नेशंस हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कुछ इनवाइटी नेशंस भी हैं। तो लगभग 40 देशों से जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो पूरा साल है वो इंडिया का प्रेसिडेंसी ईयर है G20 का। G20 की मेजबानी भारत कर रहा है और इसी कड़ी में गुरुग्राम में 2 दिवसीय बैठक 3 जुलाई और 4 जुलाई को होनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। 40 देशों के करीब 800 प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे, जो स्टार्टअप के ऊपर ये पूरी बैठक है। और G20 की इस 2 दिवसीय बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल तमाम जो प्रतिनिधि जो गेस्ट होंगे उनको डिनर भी देंगे और इसके साथ साथ जो तमाम सुविधा सुरक्षा के लिहाज से जो टीम गठित की गई है उसमें 60 से ज़्यादा लाइजन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो इस बैठक में पूरी देखरेख करेंगे। इसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि सेक्टर 64 में भी एक बैठक होगी जहां एक कोरोना जो बैंकेट है वहां इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रैंड हयात गुरुग्राम के सेक्टर 58 में ये होटल है, यहां इस बैठक की तमाम तैयारियां आप देख सकते हैं अभी चल रही हैं और आज पूरी तैयारियां कर ली जाएंगी क्योंकि कल ये बैठक होनी है। जो गेस्ट हैं वो एयरपोर्ट से सीधे गुरुग्राम आएंगे और उनके लिए सुरक्षा और सुविधा के लिए तमाम इंतजाम यहाँ किए गए हैं और यही कारण है कि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, पूरी तरह से जो सुरक्षा और सुविधा रहे। और इसके साथ साथ हरियाणा की जो छवि है, हरियाणा की जो संस्कृति है उसकी छटा यहाँ बिखेरी जाए, उसके भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं नगाड़े सामने रखे हुए हैं और इन्हीं के मार्फत जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कलाकार हैं वो यहाँ से हरियाणा की छटा बिखेरेंगे, जिससे जो अतिथि यहाँ पहुँच रहे हैं वो हरियाणा की एक छटा को अपने दिल में जहन में लेकर जाए। और यही कोशिश है कि G20 की जो बैठक है स्टार्टअप पर वो पूरी तरह से सफल रहे, क्योंकि स्टार्टअप को लेकर भारत की तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और सुदृढ़ करने के लिए इस बैठक को भी अहम माना जा रहा है, जिससे विश्व स्तर पर भारत में स्टार्टअप को एक मजबूती मिलेगी। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।